नमस्कार सभी साथियों को, मैं वेद सोनी और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। कुछ निजी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं कि इस तारीख तक आप अपनी फीस पूरे क्वार्टर की बच्चों की जमा करवा दें। तो इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से पूरी देश और दुनिया के अंदर सब कुछ लॉकडाउन है, सारे धंधे बंद हैं, एक छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस टाइम पे निजी स्कूल को इस सिचुएशन समझनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल उन्होंने मैसेज जारी किए कि आप अपने बच्चे की फीस जमा करवा दीजिए और वो भी एक महीने की नहीं पूरे क्वार्टर की जमा करवाइएगा। तो हमारी खट्टर सरकार ने, माननीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने दो लेटर जारी किए हैं, एक 11/4/2020 को, मैं आपको स्क्रीन पर वो पूरा पढ़ाऊंगा, और एक उसके बाद एक दिन तुरंत बाद 12/4/2020 को एक फिर से एक पत्र जारी होता है। इन दोनों पत्र में क्या बताया गया उसका एक बार आप समरी सुन लीजिएगा। 11/4/2020 को लिखा जाता है कि सभी निजी स्कूलों, चाहे वो CBSE है चाहे वो HBSE है, सभी से को आदेश दिया जाता है कि लॉकडाउन के पीरियड तक किसी भी अभिभावक से या किसी भी बच्चे से आप फीस लेने का दबाव नहीं बना सकते। अगर आप दबाव बनाएंगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर पता नहीं क्या हुआ सरकार को, किसके दबाव में सरकार आती है, एक दिन बाद ही दोबारा पत्र जारी होता है माननीय मंत्री खट्टर साहब की तरफ से और शिक्षा निदेशालय की तरफ से। अब की बार जो लेटर आया है उसमें यह लिखा गया है कि आप फीस ले सकते हैं। 11/4 को लेटर जारी हुआ था फीस लेनी ही नहीं है लॉकडाउन पीरियड के दौरान। अब जारी पत्र में, जो करंट में 12/4/2020 को जो लेटेस्ट पत्र जारी होता है, उसमें लिखा गया कि आप फीस ले सकते हैं पर आप क्वार्टरली नहीं ले सकते, 3 महीनों की एक साथ नहीं ले सकते। अभिभावक पे जो पेरेंट्स हैं उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, आप हर महीने की फीस ले सकते हैं। तो 12/4/2020 को ये बोला गया है मंथली फीस स्कूल ले सकता है, पर उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं, कुछ बातें साफ की गई हैं। बसेस नहीं चल रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच्चे से ना लिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन यातायात का खर्चा बच्चे से बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते। एनुअल चार्जेस वगैरह और स्मार्ट क्लासेस एक्टिविटी चार्जेस आप बच्चे से नहीं ले सकते, सिर्फ आप ट्यूशन फीस ही बच्चे से रिकवर कर सकते हैं, वो भी मंथली। और उसमें भी क्या बताया गया है, उसके लिए भी आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते, बाध्य नहीं कर सकते। अगर किसी की कैपेबिलिटी है तो वो एक महीने का स्कूल में ट्यूशन फीस जमा करवा दे, और किसी की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो उसको किस्तों में समायोजित करके बाद में जमा करवा दे। अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा वीडियो पढ़ते हैं, एक बार पत्र देख लेते हैं। ये है बेटा, ये है भाइयों, 11/4/2020 को जारी हुआ था। इसमें लिखा गया था, मैं आपको सेकेंड पैराग्राफ पढ़ाता हूँ, वैसे पत्र आपके सामने, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निजी विद्यालय और छात्रों से या अभिभावकों से इस अवधि में फीस या अन्य शुल्क लेने का दबाव ना बनाए। यदि कोई निजी विद्यालय शुल्क जमा करवाने के बारे में किसी प्रकार का भी दबाव बनाता है तो उस विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आदेशों की दृढ़ता से पालन की जाए। ये ऑफिसर्स के साइन है और ये लेटर जारी हुआ था डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से। इसके तुरंत बाद एक पत्र और आता है, ये है दूसरा लेटर, ये भी डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से आता है। और इसमें क्या लिखा जाता है इसको बड़े ध्यान से आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। कोरोना वायरस की वजह से आदेश पारित किए गए थे कि किसी को भी नहीं लेने हैं, परंतु सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि बहुत सारे स्कूल प्रथम 3 माह की फीस अप्रैल में ही अग्रिम रूप से जमा करवा रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं द्वारा फीस अग्रिम रूप से जमा नहीं करवाई जा रही है उनको ऑनलाइन क्लासेस से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। अतः इस संबंध में अब अपने मंत्री जी क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को 3 माह की अग्रिम शुल्क लेने के लिए बाध्य ना किया जाए, केवल, आप ध्यान दीजिएगा, केवल मासिक रूप से ही फीस शुल्क लिया जाए। इट मीन्स इस पत्र के अंदर क्लियर कट कर दिया है, फीस तो आपको देनी पड़ेगी पर वो 3 महीने की नहीं देनी है, 1 महीने के हिसाब से आपको फीस जमा करानी है। और दूसरी बात, अगर कोई 3 महीने की फीस जमा ना करवा पाता है तो उसका विद्यालय से नाम ना काटा जाए और जो किसी भी तरीके की ऑनलाइन क्लास से वंचित ना किया जाए। दूसरी बात इसके अंदर क्या आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, कोई भी निजी विद्यालय किसी भी प्रकार का यातायात शुल्क नहीं लेगा। इट मींस जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो बसेस नहीं चल रही हैं, डीजल का, पेट्रोल का किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है, और तो इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस स्कूल बच्चों की फीस में इंक्लूड करके ले रहा है तो ये चीज़ें उसको नहीं करनी है। और नीचे बताया गया है कि अगर कोई अभिभावक
के पास मासिक शुल्क देने की भी कैपेसिटी नहीं है, तो वो अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है स्कूल से, और फिर स्कूल उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, उस पर फोर्स नहीं कर सकता, वो फीस किस्तों के हिसाब से बाद में जमा करवा सकता है। अगर इन आदेशों को पालन नहीं किया गया तो लास्ट में बताया गया नियम 158A के तहत उस स्कूल के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, आदेशों की दृढ़ता से पालन किया जाए। नटशेल में अब तक जो पिक्चर जारी हुई, हम ये कह सकते हैं 3 महीने की फीस एक साथ स्कूल नहीं मांग सकता, हमें 1 महीने की फीस जमा करानी है, और इस 1 महीने की फीस के अंदर भी सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करवानी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लिया जा सकता। इस पत्र के द्वारा ऐसा ही लिखा गया है। मेरा सवाल आप सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से है कि इस टाइम पे क्या होना चाहिए और आप लोगों की क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों।